बड़े अच्छे से चलते, क्योंकि ये आगे आपको राम झेली दिख रही है, इसके दो मोर बन रहे हैं, कुछ तेल में है, कुछ यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए मेरा बांस दिख रहे हैं, ये जो खड्डू बकरा है राम झेली बनाई हुई थी, साथ में आटा। Hey guys, welcome back my another vlog, welcome back my channel। तो कैसे हो आप सभी लोग? यार होपी गाइज आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं एंड अभी थोड़े बहुत हम पकवान बनाएंगे शाम के लिए। पिछली बार हमने पुनिया के दिन भी बहुत सारे पकवान बनाए थे, जिसमें हमारे हो गया हमारे कचौरू बनते हैं, साथ में पकौड़े पिछली बार नहीं बनाए थे, इस बार हम पकौड़े भी बनाएंगे। पर साथ में जो रोट होता है हमारे वो बनाते हैं, वो परंपरा चलती आ रही होती है तो आगे निभाना पड़ता है, तो हम उसे भी बनाएंगे। साथ में जो आपको खाडू बाकरा भी उसमें साथ में हमने ऐड करते हैं वो भी बनाएंगे हम, और हम थोड़ी बहुत फुल बढ़िया बनाएंगे एंड ज़्यादा पकवान हम नहीं बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे बनाने को है, आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम ये पकवान बनाते हैं। पिछली बार मम्मी ने बनाया था, इस बार हम खुद बना रहे हैं सब कुछ, जितने भी पकवान है वो हम बना रहे, पावा बना रहे हैं। चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसे हम पकवान बनाते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो ये अभी बन रहा है सबसे पहले हमारे रोट एंड इसके बाद बनेगा खड्डू बाकरा एंड रामछेली। और ये आता हुआ सबसे पहले रोट हमारा, अब इसको अच्छे से पकाएंगे हम। अब ये इसमें रोट में डिजाइन लग चुके हैं बच्चे बड़े अच्छे से चलते, क्योंकि ये पीछे की ओर से ये जल चुका है थोड़ा बहुत। तो ये देखिए ये बन चुके हैं हमारे, ये हो गया हमारे खाडू, ये हो गई हमारी रामछेली एंड हमारा जो बकरा है वो आने वाला है। ये आगे आपको रामछेली दिख रही है, इसके दो मुंह होते हैं, एक तो आपको ये दिख रहा है एंड एक दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोनों साइड इसके मुंह है। एंड चलो थोड़ी शेप में थोड़ी गलती हो सकती है इसमें बनाने में, लेकिन देखिए ये हमारे रीति रिवाज है, हमें ये निभाना ही पड़ता है। देखिए ये मम्मी बना रही है पाजे की पत्तियां है, और इसका बना रही है मम्मी चंदू, और ये हमारी कढ़ाई लग चुकी है गैस पर एंड तेल बस गर्म होने का इंतजार है। और इसमें बनाएंगे हम कचौरू बनाएंगे इसमें भी हम, और साथ में पकौड़े बनाएंगे एंड थोड़ी बहुत फुलबड़िया भी बनाएंगे। और ये देखिए हमारे कचौरू बन रहे हैं, ये कुछ तेल में है एंड कुछ यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए मेरा भाई काम करता हुआ, और ये देखिए पापा इधर कचौरू बनाते हुए हमारे, यहाँ पे हमारे पकोड़े जाते हुए कढ़ाई में। और ये देखिए बढ़िया पकोड़े, हाहा पीले पीले पकोड़े। और ये अब हमारे पकोड़े बनके भी तैयार हो गए हैं बिल्कुल पीले पीले, देखिए क्या मस्त दिख रहे हैं हो गए आपको। और अब हम बनाने वाले हैं फुल बढ़िया, उसके बाद हमारा दाल चावल रहेगा बनाने के लिए, उसके बाद हम बस थोड़ी पूजा करेंगे, जो भी पूजा होती है जिन्होंने व्रत रखे हुए होते हैं वो पूजा करते हैं, उसके बाद व्रत भी खुल जाता है सबका एंड सब खाना खा लेते। और ये देखिए अब फुलबड़िया बन रही है अलग अलग स्टाइल में, ये कुछ बड़ी फुलबड़िया है, कुछ गोल गोल फुलबड़िया है, ये देखिए रंग बिरंगी फुलबड़िया, छोटी फुलबड़ी, बड़ी फुलबड़ी, वाइट फुलबड़ी एंड फुलबड़ी लाए। तो हमारे फुलबड़िया भी बन के तैयार हो चुकी है, हमने थोड़ी बहुत अपने खाने लायक फुलबड़िया बनाई है। और अब हमारे सिर्फ राजमा रही है तड़कने को एंड साथ में हमारे यहाँ चावल लगे हुए हैं एंड इसके बाद हम सिर्फ पूजा करेंगे। हमारा राजमा एंड चावल भी बनने वाले हैं, उसके बाद जिन जिन की भी व्रत है वो अपने व्रत खोल देंगे एंड उसके बाद हमारी शिवरात्रि पूजन सफल रहेगा यहाँ। तो ये देखिए हमने ये सब कुछ अब एक जगह इकट्ठा करके रख दिए, इसमें हमारे चंदुआ रहता है, रोट रहता है, जो हमने इसमें ये जो खड्डू बकरा एंड रामछेली बनाई हुई थी, साथ में आटा होता है, और सामग्री होती है जो इसमें कचौरू होते हैं, और साथ में ये देखिए ये बनाए हुए होते मिट्टी के शिव एंड पार्वती, गोबर और गेहूं का बना हुआ होता है ये गणेश, और इनकी पूजा की जाती है। और इसमें जो ये कचौरू है इसके ऊपर दाल चावल अच्छे से रखे जाते हैं, और साथ में जितने भी पकवान बनाए जाते हैं सबसे पहले उसका भोग चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही सब उसे खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की पूजा की जाती है जो पूर्णिमा में होता है, पूर्णिमा में ऐसा होता है कि चांद जब आता है तभी व्रत तोड़ा जाता है। तो ये शिवरात्रि है, शिवरात्रि में इन सब चीज़ों का ही इन सब चीज़ों की पूजा की जाती है, व्रत खोला जाता है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो यार मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।